हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पनीर शिमला मिर्च टमाटर की सब्ज़ी बनाना बताती हूँ, जैसे जिस स्टाइल से मैं बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने रिफाइंड लिया थोड़ा सा, अच्छी तरह गरम कर लिया मैंने इसको। इसमें थोड़ा सा जीरा डाला मैंने, प्याज कद्दूकस करके मैंने डाल दिया इसको। बहुत ईजी रेसिपी है इसकी, टेस्टी लगती है खाने में। प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भुना, लाल लाल हल्का सा किया है मैंने। और हल्का सा लाल करके मैंने इसमें शिमला मिर्च कटी हुई डाल दी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। शिमला मिर्च मैंने थोड़ी सी मोटी काटी है, ये अपनी चॉइस है, आप इसको छोटे छोटे भी पीस काट सकते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ी सी शिमला मिर्च थोड़ी मोटी अच्छी लगती है कटी हुई। इसमें मैंने अब टमाटर डाल दिए हैं। ये सब्जी बहुत ज़्यादा टाइम जल नहीं मतलब लेती है, जल्दी बन जाती है। देखिए कलर इसका चेंज होता जा रहा है, शिमला मिर्च का भी कलर चेंज हो गया। इसमें मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, गरम मसाला वगैरह मैं नहीं डालती हूँ इसमें। धनिया मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा, कसूरी मेथी। अब इसको अच्छी तरह पका लेना है, 2-3 मिनट में ही पक जाती है, इसको ढक देना है थोड़ी देर। देखिए जैसे आप देख रहे हैं ये गल चुकी है। इसमें पनीर मैंने कटा हुआ था ये डाल दिया, खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये, सिंपल सी सब्जी है। जब घर में कुछ खास ना हो, हल्का शिमला मिर्च पड़ी है, पनीर थोड़ा सा पड़ा है, बस आप ये बना के खाइए, परोंठी के साथ, चावल के साथ, फुलके के साथ, ये अच्छी लगती है। प्लीज़ मेरा चैनल आप देखते भी हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसमें मैंने अब थोड़ा सा सिरका डाला है, थोड़ी सी टमाटो सॉस डाली है, कलर इसका चेंज हो गया है। इसमें मैंने काला वाला सिरका तो आधा चम्मच डाला है, थोड़ा खट्टी मीठी अच्छी लगती है। हमारी सब्जी अब रेडी है, बन के तैयार है। इसको थोड़ा सा भून लेना है हमने। इसको हमने अब कटोरी में मैंने निकाल ली, सचमुच खाने में बहुत टेस्टी थी। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए।